कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें हमें टाइम पीरियड फाइंड करने की ज़रूरत होती है कोई इक्वेशन हमें नहीं दिया रहेगा जिसमें से हम लोग ओमेगा निकालेंगे और टाइम पीरियड निकालेंगे बिल्कुल नए नए क्वेश्चन हो सकते हैं तो ऐसे क्वेश्चन में टाइम पीरियड फाइंड करने के दो मेथड होते हैं मेथड्स टू फाइंड द टाइम पीरियड न दो मेथड होते हैं इसमें से पहला मेथड होता है जिसको कहा जाता है फोर्स मेथड और सेकेंड मेथड होता है उसको कहा जाता है एनर्जी मेथड तो हम क्या करेंगे बारी बारी से एक एक मेथड को समझने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फोर्स मेथड के बारे में ना तो फोर्स मेथड में कुछ फिक्स्ड स्टेप्स हैं जिनको कि हमें फॉलो करना पड़ता है पहला स्टेप होता है फाइंड इक्वेरियम पोजीशन बाय पुटिंग नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो इक्लिब्रियम पोजीशन फाइंड करना हो तो पहले हम लोग क्या करेंगे नेट फोर्स जीरो करते हैं फिर सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि फाइंड restoring force restoring force means net force towards mean position okay. so we have to find the restoring force when पार्टिकल इन एस एच एम इज एट पोजिशन एक्स फ्रॉम मीन पोजिशन तो जब मीन पोजिशन से एक्स डिस्टेंस पर होगा तब उस पर नेट फोर्स निकालेंगे रिस्टोरिंग फोर्स निकालेंगे ठीक है फिर उसको कंपेयर करेंगे कंपेयर द रिस्टोरिंग फोर्स विथ एफ इज इक्वल टू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स एंड फाइंड ओमेगा एंड टाइम पीरियड ठीक है तो ये कुल मिलाकर के तीन स्टेप है इनको हम लोग फॉलो करेंगे तो पहले ये स्टेप फॉलो करते हुए एक एग्जाम्पल करते हैं है ना एग्जांपल है जिसमें कि हमें एक स्प्रिंग दिया गया है है ना तो ये स्प्रिंग का मान लेते हैं कि नेचुरल पोजीशन है अच्छा उसी स्प्रिंग में अगर ब्लॉक को अटैच कर दिया जाए तो उसका एक इक्लिब्रियम एक पोजीशन आएगा ये सब कुछ इक्लिब्रियम पोजीशन है फिर जब ये ब्लॉक को इक्लिब्रियम से डिस्प्लेस करके छोड़ दिया जाएगा तब ये ऐसे कर रहा होगा और ऐसे करते हुए किसी इंस्टेंट पर इक्लेब्रियम से एक्स डिस्टेंस पर होगा है ना तो इसमें ये जो लाइन है ये लाइन हो गया अपना नेचुरल पोजीशन ऑफ स्प्रिंग अच्छा ये जो लाइन होगा ये जो ब्लॉक का जो पोजीशन है ये हो गया इक्लेबेम पोजिशन इक्लोबरियम पोजिशन या मीन पोजिशन ठीक है और ये जो सबसे लोएस्ट पोजिशन है ये एक्चुअली में क्या है कि पार्ट की लेसेज एम करते हुए अपने मीन पोजिशन से एक्स डिस्टेंस नीचे आ गया है ठीक है तो हम क्या करेंगे इसका टाइम पीरियड निकालने के लिए सबसे पहले जो स्टेप है फाइंड इक्लोरियम पोजिशन बाई नेट फोर्स जीरो तो हम क्या करेंगे कि जो ब्लॉक है इसका फ्री डायग्राम बनाते हैं तो नीचे एक फोर्स आएगा एम और ऊपर एक फोर्स आएगा के एक्स नॉट अगर इक्लोरियम पोजिशन में स्प्रिंग का इलोंगेशन एक्स नॉट हो है ना इक्लुब्रियम पोजिशन में अगर इलोंगेशन एक्स नॉट होगा तो ऊपर की तरफ स्प्रिंग फोर्स लगेगा के एक्स नॉट है ना तो एट इक्लुब्रियम पोजिशन एम जी इज इक्वल टू के एक्स नॉट दैट मीन्स एक्स नॉट इज इक्वल टू एम जी के तो ये पहला स्टेप अपना कंप्लीट हो गया है ना पहले स्टेप हमें कहा गया था इक्लुब्रियम पोजीशन लोकेट करना था तो हमने क्या किया पता कर लिया कि स्प्रिंग में जब इलाशन एक्स नॉट होगा तो ये इक्लुब्रियम में होगा ब्लॉक ठीक अब आते हैं सेकेंड स्टेप में सेकेंड स्टेप में कहा गया फाइंड रिस्टोरिंग फोर्स वेन पार्टिकल इन एस एच एम इज एट पोजिशन एक्स फ्रॉम मीन पोजिशन ठीक है मतलब कि ये जो पोजिशन है यहाँ पर अपने मीन पोजीशन से ये इक्लिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन है यहाँ से जब एक्स डिस्टेंस पर होगा तो अब इस पर नेट रिस्टोरिंग फोर्स निकालना है ठीक है तो हम क्या करेंगे इस पोजीशन पर ब्लॉक का फ्री डायग्राम बनाते हैं तो नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा एम और ऊपर की तरफ जो फोर्स लगेगा वो आएगा के इंटू एक्स प्लस एक्स नॉट है ना क्योंकि स्प्रिंग में टोटल इलॉन्गेशन जो है ये देखेंगे इतना हो रखा है और ये चूंकि एक्स नॉट है तो टोटल इलॉन्गेशन जो हो गया एक्स प्लस एक्स नॉट है इसलिए स्प्रिंग फोर्स हो जाएगा के इंटू एक्स प्लस एक्स नॉट न तो नेट रिस्टोरिंग फोर्स नेट रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू हमें मीन पोजीशन की तरफ फोर्स निकालना है तो क्या करेंगे के एक्स प्लस एक्स नॉट माइनस एम है ना अब ये नेट फोर्स आया इस नेट फोर्स के आगे माइनस साइन अप्लाई किया जा सकता है क्यों क्योंकि ब्लॉक का जो पोजीशन था जो डिस्प्लेसमेंट था वो मीन पोजीशन से नीचे की तरफ था है ना? जबकि फोर्स हमने किधर निकाला ऊपर की तरफ इसलिए डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स हमने फाइंड किया है इसलिए निगेटिव साइन अप्लाई कर सकते हैं तो ये हो जाएगा माइनस के एक्स प्लस के एक्स नॉट माइनस एम जी ठीक है तो ये जो हमने यहाँ पर देखेंगे कि इक्लुब्रियम पोजीशन का एक कंडीशन निकाला हमने ये एम जी इज इक्वल टू के एक्स नॉट तो वहाँ से देखेंगे तो ये जो पार्ट है ये ज़ीरो हो जाएगा के एक्स नॉट माइनस एम जी यानी कि फाइनली रिस्टोरिंग फोर्स रह जाएगा माइनस के एक्स ठीक ये रिस्टोरिंग फोर्स हो गया अब हमें कहा गया थर्ड स्टेप में कि कंपेयर दिस रिस्टोरिंग फोर्स विथ एफ इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है ना तो क्या करेंगे कि ये जो माइनस के एक्स है इसको हम लोग कंपेयर करेंगे किस फोर्स से माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स से, तो यहाँ से यहाँ से ये यह आएगा एम ओमेगा स्क्वायर इज़ इक्वल टू के है ना देखेंगे यहाँ पर के है और ये एम ओमेगा स्क्वायर है ये दोनों क्वांटिटी इक्वल होना चाहिए तो यहाँ से जो ओमेगा का वैल्यू आएगा वो हो गया अंडर रूट के बाई एम ठीक तो टाइम पीरियड होता है टू पाई बाई ओमेगा इसका मतलब हुआ कि टी इज इक्वल टू टू पाई अंडर रूट एम बाई के हो जाएगा ठीक है तो ये अपना फाइनल आंसर हो गया इसको हम लोग यहाँ पर अगर फाइनली लिख लेते हैं T इज इक्वल टू टू पाई अंडर रूट एम बाई के ये हो गया स्प्रिंग मास सिस्टम का टाइम पीरियड तो एक और एग्जाम्पल करेंगे इस एग्ज़ाम्पल में हमें एक यू शेप का ट्यूब दिया गया है और इस ट्यूब में एक लिक्विड भरा हुआ है ट्यूब का जो क्रॉस सेक्शन है इसका एरिया जो है वो ए है इस क्रॉस सेक्शन का एरिया ए है दूसरे साइड में भी ए ही है है ना? अच्छा और जो लिक्विड है वो अभी इस लेवल पर इक्वेरिया में है ठीक है इनिशियली Liquid is in equilibrium. The length of liquid column in U shaped tube is L. If liquid in one arm of tube is pressed and released. फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है ना तो ये हम मानेंगे कि लिक्विड जो है ऑसिलेशन करने लगेगा तो उसका जो है टाइम पीरियड क्या होगा ये हमें फाइंड करना है ठीक है तो हमने एक नीचे भी एक फिगर बनाया हुआ है तो इसमें क्या करेंगे कि इसका जो इक्लुब्रियम पोजीशन है वो जो है वो यहाँ पर है जो रेड लाइन ड्रा किया है एक्लुब्रियम पोजिशन है जब दोनों ही कॉलम्स में लिक्विड जो है वो इक्वल लेवल तक है ठीक अब सपोज हमने लेफ्ट वाले साइड में लिक्विड को थोड़ा प्रेस कर दिया तो ये जो लिक्विड है अब सपोज यहाँ तक आ गया है ना लिक्विड नीचे आ गया इस कॉलम में इस आर्म में लिक्विड नीचे है अगर और ये एसएचएम कर रहा है भी है ना तो एसएचएम करते हुए अगर लेफ्ट आर्म में एक्स नीचे लिक्विड होगा तो राइट आर्म में लिक्विड एक्स ऊपर होना चाहिए है ना? इसमें जो है इस आर्म में अपने इक्वरियम पोजीशन से लिक्विड एक्स नीचे आ गया है तो राइट आर्म में जो लिक्विड होगा वो अपने इक्वेरियम पोजीशन से एक्स ऊपर चला जाएगा है ना तो अगर हम देखें तो दोनों आर्म्स में जो लिक्विड के हाइट का डिफरेंस है वो हो गया टोटल 2x, ये हाइट टोटल हो गया 2x, ठीक तो राइट आर्म में जो एक्स्ट्रा लिक्विड है ऊपर 2x लेंथ का उसका जो वेट होगा वही इस लिक्विड के लिए रिस्टोरिंग फोर्स का काम करेगा वो जो वेट है वो नीचे इस लिक्विड को नीचे की तरफ प्रेस करेगा और जिससे ये वापस अपनी इक्वरियम पोजिशन में जाएगा ठीक है तो अगर हमें रिस्टोरिंग फोर्स निकालना हो तो क्या करेंगे जो एक्स्ट्रा लिक्विड है राइटर में उसका हमें वेट निकालना है है ना इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू जो एक्स्ट्रा लिक्विड है अगर उसका वॉल्यूम निकालें तो जैसा कि हमें बताया गया इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए तो एरिया ए इनटू एक्स्ट्रा लिक्विड का लेंथ 2x, है ना? ये वाला जो लेंथ है एक्स्ट्रा इसका लेंथ 2x है और एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका वॉल्यूम आ गया अगर डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका मास हो गया और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर जी हो उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वेट हो गया ये वेट ही रिस्टोरिंग फोर्स का काम करेगा आगे हम एक माइनस साइन लगा सकते हैं वो इसलिए क्योंकि अगर देखेंगे राइट right आर्म में तो लिक्विड का जो पोजीशन है जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऊपर की ओर है जबकि फोर्स हमने निकाला है नीचे की ओर डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसलिए डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है इसलिए माइनस एन लगा सकते हैं ठीक तो फाइनली जो रिस्टोरिंग फोर्स आया वो हुआ माइनस टू रो ए जी इंटू एक्स अब इस फोर्स को हमें कंपेयर करना चाहिए है ना? कंपेयर दिस रिस्टोरिंग फोर्स विथ एफ इज इक्वल टू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स तो अगर कंपेयर करेंगे तो एम ओमेगाक्वायर इज इक्वल टू टू रो ए इंटू जी है ना तो यहाँ पर देखेंगे इसमें यह एम ओमेगा स्क्वायर है और इसमें जो है ये टू रो ए जी ये दोनों इक्वल होने चाहिए तो वो हमने यहाँ पर कंपेयर कर दिया ठीक है अब इस एक्सप्रेशन में जो लिक्विड है जो पार्टिकल है उसका मास हमें निकालना है एम है ना एम क्या होता है उस पार्टिकल का मास होता है जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा हो तो इस एक्सप्रेस इस क्वेश्चन में पूरा लिक्विड ही जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो पूरे लिक्विड का हमें मास निकालना है तो पहले क्या करेंगे पूरे लिक्विड का वॉल्यूम निकाल लेते हैं एरिया इनटू टोटल लेंथ ऑफ लिक्विड कॉलम ये पूरा लेंथ जो है हमें दिया गया है एल लेंथ का ठीक है ये पूरा लेंथ जो है एल वो यहाँ से लेकर के है ना ये सारा लेंथ एल है तो एल को अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ए से मल्टीप्लाई कर दें तो पूरे लिक्विड का वॉल्यूम आ गया और उसकी डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो मास आ गया है ना तो ये हो गया पूरे लिक्विड का मास इंटू ओमेगा स्क्वायर इज़ इक्वल टू टू रो ए इंटू जी तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं ओमेगा का वैल्यू है न इसमें देखेंगे कि रो इन ए यहाँ भी है और रो इन ए यहाँ भी है तो इस ओमेगा का जो वैल्यू आया वो हो जाएगा अंडर रूट जी बाई टू जी बाई एल ठीक तो जो टाइम पीरियड होता है वो होता है टू पाई बाई ओमेगा यानी टू पाई अंडर रूट एल बाई टू जी तो फाइनली टाइम पीरियड का वैल्यू टू पाई अंडर रूट एल बाई टू जी आ गया तो ये हुआ अपना आंसर तो एक एग्जांपल करेंगे है ना इस एग्जांपल में हमें एक सिलेंडर दिया गया है द सिलेंडर इनक्लोजिंग A gas at pressure P. If surrounding pressure is zero. and piston is released after pressing down by very small Displacement, then find the time period of small oscillations. Assume आइसोथर्मल कंडीशंस तो इस क्वेश्चन में हमें एक पिस्टन दिया गया एक सिलेंडर दिया गया जिसमें कि गैस रखा है प्रेशर पीपर तो अगर पिस्टन का फ्री डायग्राम बनाए है ना? पिस्टन का एरिया जो है ये या सिलेंडर का एरिया दोनों का एरिया इक्वल है ये एरिया हमें दिया गया है ए है ना नरिया है ए तो पिस्टन पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स आएगा एम नीचे की तरफ एम आएगा और ऊपर की तरफ प्रेशर P इंटू ए इतना फोर्स आएगा ठीक है इसके कारण से ये जो पिस्टन है ये इक्लेवेरियम में होगा तो कह सकते हैं एट इक्वरियम एम जी इज इक्वल टू पी ए ठीक अब हम क्या करेंगे कि पिस्टन को हमने थोड़ा सा डिस्प्लेस करके नीचे की तरफ छोड़ दिया तो ये एस एच एम कर रहा होगा है ना? अब एस एच एम करते हुए किसी इंस्टैंड पर अपने इक्वरियम पोजीशन से एक्स नीचे आ गया है ना? तो पहले सिलेंडर के अंदर जो गैस का हाइट था वो था एच अब चूंकि एक्स नीचे चला गया है अपने इक्लोरियम पोजीशन से तो ये हाइट हो जाएगा एच माइनस एक्स है ना? तो चूंकि वॉल्यूम डिक्रीज हो गया तो प्रेशर थोड़ा इंक्रीज हो गया होगा तो अब जो है प्रेशर मान लेते हैं कि पी डैस हो गया है तो अभी अगर इस पर पिस्टन पर फोर्स निकाला जाए तो नीचे फोर्स आएगा एम और ऊपर की तरफ जो फोर्स आएगा वो आएगा पीडैस इंटू ए तो रिस्टोरिंग फोर्स जो होगा रिस्टोरिंग फोर्स आएगा एफ इज इक्वल टू पी डैस ए माइनस एम जी ये रिस्टोरिंग फोर्स होगा पिस्टन के ऊपर और यहाँ पर एक माइनस साइन लगाया जा सकता है क्योंकि पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है है ना तो अभी हमें क्या करना होगा P डैस का वैल्यू निकालना होगा है ना तो बाई आइडियल गैस इक्वेशंस, P into V इज इक्वल टू एन आर इंटू टी है ना इनिशियल कंडीशन में देखेंगे तो प्रेशर था P और वॉल्यूम कितना था गैस का हाइट H इंटू एरिया A ठीक है तो ये था प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू एन आर टी ठीक फाइनली इस केस में क्या होगा कि अब जो प्रेशर हो गया है पी डैस और वॉल्यूम हो गया एच माइनस एक्स इंटू ए अभी भी ये जो एरिया है वो ए है और हाइट हो गया है एच माइनस एक्स तो पी डैस एच माइनस एक्स इंटू इज इक्वल टू एन आर टी क्योंकि आइसोथर्मल कंडीशन है आइसोथर्मल कंडीशन का मतलब होता है कि जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है तो टेम्परेचर कांस्टेंट है और नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट ही रहेंगे तो यहाँ से हम एक कंडीशन निकाल सकते हैं कि पी इंटू एच एज इक्वल टू पी डैस एच माइनस एक्स इंटू ए तो यहाँ से P डैस का वैल्यू आएगा P H डिवाइडेड बाई H माइनस एक्स ठीक है तो अब इस P डैस का जो वैल्यू है वो हम इस एक्सप्रेशन में रिस्टोरिंग फोर्स के एक्सप्रेशन में सब्स्यूट करेंगे तो रिस्टोरिंग फोर्स आया माइनस P डैस के जगह पर रखेंगे P H बाई एच माइनस एक्स इंटू ए माइनस एम जी इज इक्वल टू माइनस पी इंटू ए इंटू एच माइन एच बाई एच माइनस एक्स माइनस एम जी ठीक है तो यहाँ से माइनस ये जो एक्सप्रेशन में जो टर्म आया है पी ए इसका जो वैल्यू है हम यहाँ पर इक्लियम कंडीशन से निकाल कर रख सकते हैं जो कि एम जी के इक्वल है है ना तो यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा एम जी इंटू एच बाई एच माइनस एक्स माइनस एम जी इज इक्वल टू माइनस एम जी कॉमन ले लेते हैं तो आएगा by h बाई एच माइनस एक्स माइनस वन तो फाइनली रिस्टोरिंग फोर्स आया माइनस एम जी एच माइनस एच माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एच माइनस एक्स तो माइनस एम जी ऊपर वाला जो टर्म है वो हो जाएगा x डिवाइडेड बाई एच माइनस एक्स तो इसमें चूंकि हमसे तो ये कहा गया कि पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट बहुत स्मॉल है तो ये ये जो एक्स है जो ये एक्स है ये मानते हुए एच इज वेरी वेरी एच इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एक्स ऐसा मान लेते हैं एच इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन एक्स तो एक्स को यहाँ पर हम लोग निगलैक्ट कर देंगे तो एक्स को निगलैक्ट करने से जो अपना रिस्टोरिंग फोर्स है वो हो जाएगा एम जी एक्स बाई एच और इसका कंपैरिजन करेंगे किससे माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स से तो ये हो गया एम जी बाई एच इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर है ना तो यहाँ से एम और एम कैंसिल ओमेगा का वैल्यू आया अंडर रूट जी वाई एच का रूट है ना ये ओमेगा आ गया तो फिर टाइम पीरियड जो होता है टाइम पीरियड होता है टू पाई वाई ओमेगा जिसका वैल्यू आएगा टू पाई अंडर रूट एच वाई जी ठीक है तो ये आ गया फाइनली टाइम पीरियड तो एक एग्जांपल करेंगे है ना ये एग्जांपल है इफ बोथ springs are relaxed initially and block is in equilibrium The block is displaced horizontally and released. We have to find the time period. ऑफ़ ऑसिलेशन ऑफ ब्लॉक तो इस क्वेश्चन में हमें एक ब्लॉक दिया गया है और ये ब्लॉक अभी इक्ब्रियम में है तो हम क्या करेंगे कि अगर इस ब्लॉक को थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ देंगे तो ये एस करेगा है ना? तो ये जो पोजीशन है ये इसका इक्लिब्रियम पोजीशन है इसको अगर डिस्प्लेस करके छोड़ दिया गया है सपोज किसी इंस्टैंड पर यह ब्लॉक अपनी मेन पोजिशन से यानी इक्वरियम पोजिशन से एक्स डिस्टेंस पर चला गया है ठीक है तो क्या होगा कि जो राइट साइड वाला स्प्रिंग है ये तो कंप्रेस हो गया तो कंप्रेस हो गया तो इसको लेफ्ट डायरेक्शन में एक धक्का लगाएगा एक पुष देगा तो इस जो धक्का लगेगा उसका जो वैल्यू होगा वो होगा के इंटू एक्स है ना अच्छा जो दूसरे साइड स्प्रिंग है ये वाला स्प्रिंग जो है वो एक्सटेंड हो चुका है और जो एक्सटेंडेड स्प्रिंग होता है वो क्या करता है वो खींचता है तो ये इसको इस तरफ अपनी तरफ खींचेगा किसी फोर्स के इन एक्स से अगर ऐसा मान लें कि इधर वाले स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है के वन और राइट साइड वाले स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है के टू ठीक है तो के टू स्प्रिंग कांस्टेंट वाला जो फोर्स है वो के टू एक्स फोर्स लगाएगा लेफ्ट डायरेक्शन में और जो के वन स्प्रिंग कांस्टेंट वाला स्प्रिंग है वो के वन एक्स से खींचेगा उसको ठीक है तो नेट रिस्टोरिंग फोर्स जो आएगा ब्लॉक पर वो हो जाएगा के वन एक्स प्लस के टू एक्स दोनों फोर्स दोनों स्प्रिंग फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं है ना अब ये फोर्सेस के आगे माइनस एन लगाया जा सकता है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है ब्लॉक का वो राइट व डायरेक्शन में है और फोर्स जो लग रहा है ये लेफ्टॉप डायरेक्शन में लग रहा है तो इसको लिखा जा सकता है माइनस के वन प्लस के टू इंटू एक्स अब इस रिस्टोरिंग फोर्स का कंपैरिजन हम लोग करेंगे माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स से जहाँ पर एम इस ब्लॉक का मास है ठीक है तो कंपैरिजन करने से एम ओमेगा स्क्वायर आएगा के वन प्लस के टू के इक्वल इस तरह से ओमेगा का वैल्यू आएगा अंडर रूट के वन प्लस के टू बाई एम इसका मतलब हुआ कि यहाँ से जो टाइम पीरियड आएगा टू पाई बाई ओमेगा यानी टू पाई अंडर रूट के वन प्लस के टू डिवाइडेड बाई एम ये आएगा फाइनल आंसर ठीक है इसके बाद हम लोग एक और एग्जाम्पल करेंगे इस एग्जाम्पल में इस एग्जाम्पल में हमें एक स्प्रिंग और दो ब्लॉक दिए गए है ना तो एक ब्लॉक जो है वो ये है और दूसरा ब्लॉक ये है दोनों ब्लॉक्स को एक स्प्रिंग से जोड़ा गया है ठीक है अच्छा जो लेफ्ट में ब्लॉक है इसका मास है एम वन और जो राइट साइड में ब्लॉक है उसका मास है एम टू और स्प्रिंग कांस्टेंट है के करेंगे उस केस में इस सिस्टम का टाइम इफ स्प्रिंग इज Slightly compressed and released, find time period of system of. ब्लॉक्स <coughs> तो इसमें हम क्या करेंगे कि अगर इनको कंप्रेस करके छोड़ दिया जाए तो ये दोनों ब्लॉक इंटरनल फोर्स यानी स्प्रिंग फोर्स के कारण से ऐसे चेम करेंगे ठीक है इस तरह से ऐसे चैम करेंगे कि इनका सेंटर ऑफ मास अपनी जगह पर ही रहेगा है ना तो सपोज किसी इंस्टेंट पर ये जो एम वन ब्लॉक है वो यहाँ आ गया है और जो M2 टू ब्लॉक है वो यहाँ आ गया है ठीक है तो ऐसा कहा जा सकता है कि M1 वन मास का ब्लॉक अपने इक्लुबरियम पोजीशन से X1 वन डिसप्लेस हो गया इसका इक्लिब्रियम पोजीशन क्या था ये इसका इक्लिब्रियम पोजीशन था M2 का इक्लिब्रियम पोजीशन ये था और ये अपने इक्लोरियम पोजीशन से x2 टू डिस्प्लेस हो गया है है ना? ये m2 है तो अब हम क्या करेंगे कि किसी भी इंस्टेंट पर ये जो दोनों ब्लॉक है इनका डिस्प्लेसमेंट मास के इन्वर्स रेशियो में होना चाहिए तभी इनका सेंटर ऑफ मास अपनी जगह पर बना रहेगा क्योंकि ये इंटरनल फोर्स से ट्रेवल कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि एम वन एक्स वन इज इक्वल टू एम टू एक्स टू वैलिड होगा टू कीप सेंटर ऑफ मास एट रेस्ट इसके लिए ये कंडीशन जो है ये जरूरी है ठीक अब हम क्या करेंगे एक ब्लॉक किसी m1 का या m2 का m1 का ले लेते हैं तो सिर्फ M1 पर लगने वाले रिस्टोरिंग फोर्स का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे रिस्टोरिंग फोर्स ऑन ब्लॉक ऑफ मास M1 तो उस पर जो F1 आएगा या F कहेंगे दोनों पर फोर्स जो है दोनों ब्लॉक पर बराबर ही फोर्स लगने वाला है क्योंकि जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो स्प्रिंग फोर्स है और स्प्रिंग फोर्स इक्वल फोर्स है दोनों ब्लॉक्स को खींचेगा तो ये जो फोर्स लगा उसको हम लोग लिख सकते हैं के इंटू एक्स वन प्लस एक्स टू इसमें से स्प्रिंग में टोटल इलांगेशन होगा x1 वन प्लस एक्स आगे माइनस साइन आग लगा सकते हैं क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा माइनस के एक्स वन प्लस इसमें एक्स टू का जो वैल्यू है वो इसमें से निकाल करके सब्स्यूट करेंगे तो कितना आएगा यह आएगा एम वन एक्स वन बाई एम टू तो ये आया माइनस के इंटू एक्स वन इंटू एम टू प्लस एम वन बाई एम टू ठीक है ये हो गया तो इसको थोड़ा तो सा रीअरेंज करके लिखते हैं के एम वन प्लस एम टू डिवाइडेड बाई एम टू इंटू एक्स वन तो चूंकि हम लोग रिस्टोरिंग फोर्स निकाल रहे हैं एम वन ब्लॉक पर तो उस पर रिस्टोरिंग फोर्स जो लगना चाहिए उसको हम कंपेयर करेंगे कंपेयर विथ F इज इक्वल टू माइनस एम वन ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स ओमेगा तो दोनों ब्लॉक के लिए सेम रहेगा है ना ओमेगा और टाइम पीरियड दोनों ब्लॉक का सेम रहना चाहिए कारण ये है कि सेंटर ऑफ मास को हमेशा रेस्ट पर रखना है ठीक है तो जब लेफ्ट वाला ब्लॉक अपने लेफ्ट एक्सट्रीम पर होगा तो, राइ तो राइट वाला ब्लॉक अपने राइट एक्सट्रीम पर होना चाहिए तभी सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर रहेगा उसी तरह से अगर लेफ़्ट वाला ब्लॉक अपने राइट एक्सट्रीम पर जाएगा दाहिनी साइड जाएगा तो राइट वाले ब्लॉक अपने लेफ्ट लेफ्ट एक्सट्रीम पर रहना चाहिए ठीक है। जब एक मीन पर आएगा तो दूसरा भी मीन पोजीशन पर आएगा ठीक तो इस तरह से कहा जा सकता है कि दोनों ऑलमोस्ट सेम फेज में वाइब्रेट करेंगे सेम टाइम पीरियड के साथ में सेम एंगर फ्रिक्वेंसी से तो ये जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी है ओमेगा वो सेम रहेगा तो अब हम क्या करेंगे इसको कंपेयर करते हैं इस रिस्टोरिंग फोर्स से तो यहां से हमें जो आंसर मिलेगा एम ओमेगा स्क्वायर है के एम वन प्लस एम टू बाई एम टू तो यहाँ से ओमेगा का जो वैल्यू आया वो हो जाएगा के एम वन प्लस एम टू डिवाइडेड बाई एम वन इंटू एम टू तो टाइम पीरियड हो गया टू पाई वाई ओमेगा यानी टू पाई अंडर रूट एम वन एम टू बाई के इंटू एम वन प्लस एम टू ठीक है तो फाइनल जो आंसर अपना आया वो हो गया t इज इक्वल टू टू पाई अंडर रूट एम वन एम टू बाई के इंटू एम वन प्लस एम टू